गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और अभी फ़िलहाल मौजूद हूं मैं खंडवा के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर प्रतिभा इंस्टीट्यूट पर। 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। कैंडिडेट्स बाहर आएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस शिफ्ट का पेपर उनका कैसा रहा और पेपर का लेवल क्या रहा। हेलो सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी, कहाँ से आए आप? आगरा यूपी। आगरा यूपी से आए हैं कॉन्स्टेबल का पेपर देने के लिए जी। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक ठाक गया। क्या रहा स्कोर आपका? 80 स्कोर रहा आपका। बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 80 था। आपका ही था? एक बंदा का था, दोनों का 80। अच्छा, दोनों का 80 था जी। बताइए मैं अपने पेपर का लेवल क्या रहा? पेपर का लेवल जीएस तो काफ़ी आसान पूछी जा रही है, इतनी हार्ड नहीं पूछी जा रही। मैथ कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से 7 क्वेश्चन मैथ से में कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। बोर्ड मास हैं, उसके आधार पर पॉइंटों में स्क्वायर वो न करवा रही है। मैथ्स का लेवल क्या रहा? किसका? मैथ का? हाँ। काफ़ी आसान है, 5 से 4 क्वेश्चन हैं जो हार्ड हैं, बाकी के बहुत ही आसान हैं सब। एडवांस का पोर्शन कितना था? एडवांस का मात्र एक क्वेश्चन था, वो भी वो खोखला बेलन था शायद, जो शंकु था, खोखला शंकु था, उसमें से था एक, बाकी का कोई एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं था। जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? जीके जीएस कम से कम 20 क्वेश्चन तो जीएस पूछी जा रही है, एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं है उसमें, और 14-15 नंबर की साइंस पूछी जा रही है, और 65 नंबर के मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के आ रहे हैं। क्या जीके में आपको जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? हाँ, जियोग्राफी में तो एक था, सिंधु नदी से था कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। अच्छा। और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन थे, मतलब अकबर ने हेमू को पानीपत के कौन से युद्ध में हराया था। अच्छा। ये क्वेश्चन था। और कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि पिछले कुछ शिफ्ट में इकोनॉमिक्स में से पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में से उसके बारे में 4 से 5 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। अच्छा। काफ़ी हार्ड आ रहे हैं वो, मतलब बन नहीं रहे हैं। साइंस में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था? साइंस में मतलब बायोलॉजी ज़्यादा थी शायद, मतलब एवरेज था, 3 से 4 ऐसे ही तीनों में से थे। बॉटनी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? था लेकिन याद नहीं है, लेकिन था जरूर, बॉटनी से क्वेश्चन था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन मिले आपको? करंट से मात्र एक क्वेश्चन था, वो भी 2020 से पूछा था, मतलब याद नहीं है, लेकिन 2020 का आया था। और जिन कैंडिडेट्स का भी आगे एग्जाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफ़ी स्कोर सही है वैसे तो, लेकिन आसानी पेपर आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आ रहा। बोल रहे थे कि मतलब काफ़ी हार्ड पूछे जा रहे हैं, आसानी पेपर आ रहा है। और एक हरित क्रांति में से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, मैं 2-3 दिन से एनालिसिस कर रहा था उसमें भी, और मेरी शिफ्ट में भी आया था। मेरी शिफ्ट ने पूछा था हरित क्रांति कौन सी फसल संबंधित है। अच्छा। गेहूं है उसमें सर, गेहूं मैंने किया। और जो पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न में पेपर था? बिल्कुल उसी पैटर्न पे सारा का सारा पेपर आ रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, इधर हो जाओ साइड में। हेलो सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गुर्जर जी। कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हैं, काफ़ी दूर सेंटर मिला है आपको? हाँ, बहुत सेंटर दूर था ये, काफ़ी मतलब एक दिन लग गया आने में। अच्छा अच्छा। और कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा, जो पहले लेवल था वही लेवल आया, मेरे 72 नंबर थे। अच्छा। हाँ, और जो मतलब SI CI के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और बाकी एडवांस में से कुछ क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में से था, वो भी खोखले बेलन से संबंधित था, कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन से बस, और बाकी के CI और रीजनिंग में दर्पण वाले जितने भी बहुत सारे सवाल थे, दर्पण वाले कम से कम सवाल होंगे 10 सवाल थे दर्पण वाले रीजनिंग में, और GS में ऐसा कुछ खास नहीं था। बाकी नृत्य से GS में 2 क्वेश्चन थे, और साइंस से क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन साइंस से भी थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग करके साइंस बायोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन ही थे, और मैथ में एक उससे क्वेश्चन था, पूर्ण वर्ग संख्या से क्वेश्चन था एक। अच्छा। हाँ, उसमें दिया था कि 3 अंकों की संख्या इतनी है, इसके अंकों को बदल दिया जाए तो इसके अंकों का योग इतना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था। अच्छा। लेकिन जो लेवल पहले था वही लेवल था, सेम पैटर्न है, अभी ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ। MPGK से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? अभी तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है, पर फिर भी शायद एक आध क्वेश्चन हो तो, पर लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे पहले के मुकाबले। करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन ही था ऐसा। हाँ बस। तो मतलब मैथ्स में अरिथमेटिक का ही ज़्यादा पोर्शन आ रहा है? अरिथमेटिक ही ज़्यादा आ रहा है, बस मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, वो भी बेलन वाला आया था, खोखले बेलन वाला,
और क्वेश्चन नहीं आया। अब जिन कैंडिडेट्स का आगे एग्जाम है उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? यही है, अर्थमेटिक पर अच्छी मेहनत करें और बाकी की कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है थोड़ा, सीआई के कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे इस बार, अंतर वाले थे, जैसे कि मतलब दो वर्ष का इतना है, अगर इनका अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो इनका अंतर इतना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे सीआई के क्वेश्चन। जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे तो आपको कुछ टाइमिंग का इशू आया? नहीं नहीं, टाइमिंग तो बहुत थी, टाइमिंग 120 मिनट थी, काफ़ी समय था। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाय सर, क्या नाम है आपका? बूरा सोलंकी। कहाँ से आए हैं आप? मैं मथुरा यूपी। मथुरा यूपी से आए हैं जी। कैसा रहा आपका पेपर? इजी था, मतलब बहुत इजी था, मेरा 70 मिनट में हो गया था। 70 मिनट में आपका पूरा पेपर हो गया था सॉल्व? क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 78 रहा। 78, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और बताइए कैसा लेवल रहा पेपर का, और कौन से पोर्शन से कितने कैसे क्वेश्चन पूछे? लेवल इजी था, बस थोड़ा सा वो जीएस और थोड़ा सा साइंस था, वरना जो मैथ और रीजनिंग था वो तो बहुत ही इजी था। हाँ, जो एंड के जो 6-7 क्वेश्चन थे जो एलजेब्रा या उसके थे, मतलब वही ट्रिकी थे, मतलब वो थे सॉल्यूशन वाले, वरना तो मैथ वाले भी और वो भी कोई सॉल्यूशन, रीजनिंग वाले तो ऐसे थे कि बिना पेन उठाए हो रहे थे, अकेत बात होता हूँ तो 10-10 सेकंड की, मतलब ऐसे थे कि सीधा पढ़ो और करो रीजनिंग वाले तो, और वही थे उसमें। जीएस में ये था कि एमपीजी के तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पूरा वो ही आ रहा है। और जीएस में भी मतलब जो साइंस है ना, साइंस में भी ज़्यादातर बायोलॉजी आ रही है, और बायो में भी वो वैसे नहीं पूछ रहा, वैसे ही सिंपल से मतलब कथन पूछ रहा है, कथन आ रहे हैं वैसे नहीं आ रहे जैसे क्वेश्चन आते हैं। बॉटनी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? बॉटनी से हाँ, 2 या 7-3 थे। और जीके में हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जीके में हिस्ट्री से थे, जीके में हिस्ट्री से वो वाला था पब्लिक सर वाला था, कौन सी पुस्तक मतलब वो था प्रकाशित, अरे पत्र का पत्र था, लेकिन वो बाल गंगाधर वाला तिलक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो केसरी और वो थे मराठा, तो वो 3-4 थे मतलब उसमें हिस्ट्री में। और एक पुस्तक का नाम था शायद द लैंग्वेज ट्रुथ ऑफ इंडिया, ऐसे ही कुछ करके था। जीके में स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन है या उधर? नहीं, स्टैटिक का नहीं है, इतना नहीं है, स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, नॉर्मल है, वही 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, और जिन कैंडिडेट्स का अभी आगे एग्जाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिनकी रीजनिंग या मैथ अच्छी है वो अपने आप हो जाएगा, जीएस तो सभी की है, वो डिपेंड है कि पेपर कैसा आएगा, वो तो फंस जाए तभी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो सर जी। भैया क्या नाम है आपका? संजू के जी। संजू जी कहाँ से आए आप? जी हरदा ज़िला। हरदा ज़िला से आए हैं जी। बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ईजी था थोड़ा, जो ज़्यादा ईजी भी नहीं था, नॉर्मल पेपर था, अच्छा था। क्या स्कोर किया आपने? 71 रहा है मेरे। 71 आपका स्कोर रहा। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? जी मुझे तो नहीं पता, मेरे आसपास लोगों से पूछा था और देखा था अभी, तो मेरे से कम ही था, 58, 60, 65, 50 बस इतनी लगभग था। अच्छा, बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स में? मैथ्स में वो चक्रवर्ती ब्याज के थोड़े हार्ड थे, मेरे से बने नहीं 2 क्वेश्चन, नहीं तो सारे क्वेश्चन बन गए, सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो नहीं सारे क्वेश्चन बनने जैसे थे, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, और रीजनिंग का लेवल क्या रहा? रीजनिंग का लेवल मीडियम था, उतना सरल भी नहीं था, मॉडरेट था, जो कि बन गए थे। रीजनिंग में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? दिशा दूर से आए थे 2-1 क्वेश्चन और भी आए थे, और ये अपने ब्लड रिलेशन से नहीं आया था। दर्पण से? दर्पण से आया था ना, 2-3 क्वेश्चन दर्पण से आए थे। पजल से? पजल, हाँ पजल टाइप का आए थे, दिशा दूरी वाले, फिर पजल नहीं आया था। सीरीज से? सीरीज आए थे 2-3 क्वेश्चन। सिलोलीज में से? उसमें से आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? सीटिंग अरेंजमेंट से बैठने की व्यवस्था था ना, 1 क्वेश्चन था लास्ट में। अच्छा। क्लॉक से? क्लॉक से भी था। किस टाइप का क्वेश्चन था क्लॉक से? नॉर्मल था, तो कठिन नहीं था। अच्छा, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला हो? कैलेंडर से नहीं मिला था, लेकिन सप्ताह से मिला था, वो तो नॉर्मल इजी हो जाए आगे सा था। और जीके जीएस का लेवल क्या रहा? जीके जीएस का लेवल तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले उनके हिसाब से नॉर्मल था। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 17 अगस्त 3rd शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टूडेंट से जानने की कोशिश करी कि आज का उनका पेपर कैसा रहा। पेपर का लेवल सेम है, ईजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। आज का हाइस्ट स्कोर जो है 88 सुनने को मिला है, और सबके जिनसे भी रिव्यू लिए उनके 70 प्लस ही नंबर आए हैं, तो कहा जा सकता है कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।